मुकाबले में जहाँ लड़कों का मुकाबला हो रहा था वहाँ लड़कियों का भी मुकाबला हो रहा था। किसी भी मुकाबले में बच्चियों ने ये तासर नहीं दिया कि वो लड़कों से मुकाबले में कमजोर है या पीछे या कम रहे। मैडम आप ठीक हैं। ये बहुत ही अचीवमेंट है इस एक्टिविटी की। हमारे तालिबान को मौका मिला और उस मौका मिलने के नतीजे के अंदर उन्होंने साबित किया कि अगर उनको भी खेल के मौके दिए जाएंगे, उनको भी मैदान मुयसर कर दिए जाएंगे, फराहम कर दिए जाएंगे, तो वो इन मुकाबलों में बच्चों से लड़कों से पीछे नहीं रहेंगी। उनके बराबर की तवानाइयां और सलाहियतें उनके अंदर भी मौजूद है। बाकी ये बात करना चाहूंगा मैं कि जीत का जज्बा ये अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए तो फिर कोई मैदान ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर उतरने वाला अपने आप को पीछे महसूस करे। हमारे यहाँ ये सूरत हाल थी कि मैदान थे ही नहीं कि बच्चे मुकाबलों के अंदर उतरते। जब बंदा मैदान के अंदर उतरता है तो फिर जीत का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। वो इस सोच को लेकर मैदान में आता है कि मुझे दूसरों को बिछाड़ना है, दूसरों से मुझे आगे निकलना है। और ये दूसरे से आगे निकलने की जो इंसान के अंदर सोच होती है वही हमें बड़े आला मनासिल के ऊपर पहुंचने में हमें मदद फराहम करती है। तो ये जो जज्बे आज हमने यहाँ देखे हैं, ये जो सरगर्मियां आज हमने देखी हैं, ये जो जीत के जज्बे हमारे बच्चों ने यहाँ देखे अपने अंदर पैदा किए हैं, इन जज्बों को फरोग देना है। अभी जो इवेल्युएशन और असेसमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट आया था उसके अंदर ये लिखा हुआ था क्या ये पैगाम आप आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो ये पैगाम हम आगे क्यों नहीं पहुंचाना चाहेंगे कि जिसके अंदर खेल हो, जिसके अंदर सरगर्मियां हो, जिसके अंदर जीत के जज्बे मौजूद हो, तो बच्चे उन जज्बों को लेकर जब मैदानों के अंदर उतरेंगे तो कोई मैदान ऐसा नहीं होगा कि इन बच्चों को उन मुकाबलों के अंदर आगे निकलने के वो रास्ते मुयसर ना आ सके कि जिनके जरिए से वो अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए मुकाबला जरूरी है और मुकाबले के लिए मौके जरूरी है। तो मौके हमें मुयसर कर दिए राइट टू प्ले ने। अब ये मौके मिलने के बाद अब जो जीत का जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए और ये दूसरे स्कूलों के अंदर इन्हें पहुंचाना चाहिए। हैदराबाद के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह राइट टू प्ले के इस मैसेज को लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर हम इंशाल्लाह नवंबर के महीने में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स वीक जो है वो हम मनाने का अल्हम्दुलिल्लाह प्लान बना रहे हैं और ये तमाम स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स वीक होगा। ये बच्चे जो आज यहाँ मौजूद है ये मैसेजर्स होंगे, ये जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे टीचर्स हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। और हम सब मिलकर इसी तरह के इवेंट्स जो आज राइट टू प्ले ने यहाँ पर करवाए इंशाल्लाह हम अपने मैदानों के अंदर अपने स्कूलों के अंदर करवाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी सरगर्मियों की पूरे डिवीजन के अंदर। यहाँ तो आज आपने 10 स्कूलों के दरमियान मुकाबला रखा, 10 बॉयज स्कूल और 10 गर्ल्स स्कूलों के दरमियान, लेकिन 500 से ऊपर स्कूल है हमारे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल को मिला दिया जाए तो 800 स्कूलों में मुकाबला होगा। और 800 स्कूलों के मुकाबले के हर इवेंट के अंदर जो फाइनलिस्ट होगा वो रीजनल फाइनलिस्ट होगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा